दिल्ली के फेमस सरोजनी मार्केट में सेलर्स के थ्रू मैंने कुछ शॉकिंग इंसिडेंसेस नोटिस किए जो आज के व्लॉग में आप लोगों के लिए मैं शेयर कर रही हूँ। तो पूरा वीडियो देखेगा क्योंकि आज का व्लॉग सिर्फ इन्फॉर्मेटिव ही नहीं, आप लोगों को अलर्ट करेगा बिफोर शॉपिंग एट दिल्ली। हाय फ्रेंड्स, हियर्स अ वार्म वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पापिया व्लॉग्स। तो आज का व्लॉग सरोजनी मार्केट टूर का पार्ट टू है। पार्ट वन मैंने कल के व्लॉग में पब्लिश किया था जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप लोग प्लीज वो भी वॉच कर लीजिएगा। आज का व्लॉग बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है क्योंकि आज के व्लॉग के थ्रू मैं आप लोगों को अलर्ट करने वाली हूँ कि बिफोर शॉपिंग एट दिल्ली व्हाट ऑल थिंग्स यू शुड टेक केयर ऑफ। तो आज का वीडियो पूरा देखिएगा, अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब विद बेल करना ना भूलिएगा। तो पिछला व्लॉग जिस किसी ने नहीं देखा उनको बता दूं, सरोजनी मार्केट आने के लिए आपको दिल्ली हाट या INA मार्केट मेट्रो स्टेशन में उतर जाना है। वैसे तो काफ़ी एंट्रेंस गेट है, आप साउथ स्क्वायर मॉल में आ सकते हैं क्योंकि यहाँ पर फेमस ईटिंग जॉइंट्स लाइक हल्दीराम, KFC है जहाँ पे आप आराम से अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ यहाँ पे फूडिंग कर सकते हैं। इसी मॉल के ऑपोजिट में सरोजनी मार्केट स्टार्ट होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं होम फर्निशिंग से जहाँ पे स्कोप ऑफ बार्गेनिंग काफी ज्यादा है। यहाँ पे मेन थिंग है क्वालिटी एट पार विद प्राइस चेकआउट करना है। यहाँ पे टॉप ब्रांड्स का लेबल लगा के कई बारी फेक मटेरियल भी सेल आउट होता है, तो आप लोगों को अलर्ट रहना है। आइए अब देख लेते हैं हैंडबैग्स एंड फुटवेयर्स डायरेक्टली फ्रॉम द सेलर्स, प्राइसिंग एंड क्वालिटी देखते हैं। पर्स के क्या रेंज है? ये डिफरेंट प्राइसेस है इधर, ये पूरा डिस्प्ले 700-800 का है, ये पूरा इम्पोर्टेड वाले सारे डिस्प्ले 700-800 वाले, ये सब 350 वाले, ये हमारे डिस्प्ले, ये सब ये बड़े साइज वाले जो फोर बैग 350 वाले, इसमें और भी कलर वगैरह बाद में मिल जाएगा, ये सब 300 वाला है। इस टाइप के छल्ले में और भी बहुत सारे कलर हैं जो बाहर पर लेके 300 वाले। ये पूरा डिस्प्ले पीछे में बॉक्स टाइप जो ट्रेंडिंग में है जो अभी चल रहा है, इम्पोर्टेड लेदर राइट का पीस होगा, सब 700-800 का पीस है, इसमें से कोई सही है। यहाँ पे मैंने नोटिस किया है विदाउट एनी टैग इम्पोर्टेड आइटम्स बोल के प्रोडक्ट काफी हाई प्राइस में सेल आउट हो रहे थे। इस टाइप के बड़े बड़े साइज में अलग अलग पीस मिल जाएगा, बहुत सारे कलेक्शन लेदर राइट का पीस वाले बहुत अच्छे। क्या रेंज बताया? ये सब 700 की कोई सभी पूरी लाइन जितने भी लगे पड़े इधर सब 600, क्योंकि ये इम्पोर्टेड है। इंडियन वाले 300 से स्टार्ट है, जो बाहर में 300-350 का इंडियन वाले स्टार्ट है, और बड़े छोटे बैग्स में ये सब इंपोर्टेड वाले अलग रेंज, इंडियन वाले अलग रेंज। ये जो हैंडबैग्स आप देख रहे हैं ये लोकल है, इसका प्राइस ₹350 है और ये इसका टैग है। और ये जो फुटवेयर्स आप देख रहे हैं इसमें कोई टैग नहीं है, जस्ट सेलर बोल रहे थे ये इम्पोर्टेड है इसलिए हाई प्राइस है। इसका प्राइस 5000 एंड अबव था जो मुझे ओवर प्राइस लगा जस्ट बिकॉज दे आर इम्पोर्टेड। कितने का है? 100 रुपए। यहाँ पे एक शॉकिंग चीज नोटिस कीजिएगा, 250। ये वही सेलर है जिनसे मैंने आफ्टरनून में सेम ज्वेलरी का प्राइस पूछा था, इन्हें ₹100 बताया था और बाई इवनिंग ₹250। मैंने इनसे पूछा भी था ऐसा क्यों, पर इनके पास कोई आंसर नहीं था, इसलिए यहाँ पे बार्गेनिंग होती है, ये ओवर प्राइस करके बताते हैं। भैया ये सामान कितने के हैं? 30 का। यहाँ पे इन भैया से मैंने सारे ही ज्वेलरी का प्राइस पूछा था जो इनने ₹30 बोला है, क्योंकि नॉर्मली हर जगह सेम प्राइस में मिल रहा था पर ऐसा यहाँ पे नहीं था, ₹30 स्टार्टिंग प्राइस था और प्राइस वेरी कर रहा था। अब मैं यहाँ पे बार्गेनिंग का क्लासिक एग्जांपल दिखाती हूँ जहाँ पे एक बायर सेलर से किस तरीके से बार्गेनिंग करते हैं, देखो। अब आइए देखते हैं कुछ इंडियन वेयर जिसका प्राइस ₹350 टू ₹1250, बल्कि इनने डिस्प्ले भी करके रखा था प्राइस, जो कि मुझे काफी अच्छा लगा क्योंकि ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सिस्टम था विदाउट एनी स्कोप ऑफ बार्गेनिंग क्योंकि ये फिक्स प्राइस शॉप था। आइए अब देख लेते हैं इंडियन वेयर दैट इज साड़ीज एंड सूट्स जिसका कॉस्ट है 500, 650 एंड 2000। फ्रेंड्स मैंने नोटिस किया कि हॉकर ये सेम चीज़ें हाफ रेट में सेल आउट कर रहे थे, लेकिन जब शॉप में आते हैं ये सेम चीज़ों की प्राइस बढ़ जाती है बिकॉज शॉपकीपर्स पे रेंट। जिसका क्लासिक एग्जांपल है ये है एक शोरूम जहाँ पे टॉप्स में प्राइस टैग्स के साथ दिखा रही हूँ एंड हॉकर सेम टॉप्स 100-200 के रेंज में बेच रहे थे यहाँ पे, जो कि डबल हो जाता है। तो यू नीड टू चेक आउट दैट प्राइस शुड बी एट पार विद द क्वालिटी।
क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं शॉपकीपर्स मुझे क्या बोलते हैं। शॉपकीपर्स बता रहे थे कि हॉकर्स यहाँ पे सेकेंड हैंड चीजें बेचते हैं, ऐसा नहीं है, एक्सपोर्ट क्वालिटी की चीजें कम रेंज में बेची जाती है। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आज का व्लॉग आप लोगों को काफी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और आप लोगों को अलर्ट करेगा बिफोर शॉपिंग, इनफैक्ट शॉपिंग एनीवेयर, स्पेशली इन दिल्ली। सो इसी मैसेज के साथ आज मैं क्लोज करना चाहूँगी कि स्टे अलर्ट एंड डू स्मार्ट शॉपिंग। आज का वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करके बताइएगा और प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू पापिया व्लॉग्स विद बेल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून फॉर माई नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो। बाय बाय फॉर नाउ।